हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू, जो 11 जून से लेकर 15 जून तक मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। जैसा कि लास्ट वीक में भी हमने कुछ निफ्टी के लेवल्स निकाले थे, जैसे कि हमारा वीकली व्यू एवरी वीकेंड में आता है, तो लास्ट वीक में भी हमने जो लेवल निकाले थे कि वही लेवल पे मार्केट चला कि नहीं चला। लास्ट वीक में आरबीआई पॉलिसी आई थी तो अपने लेवल कैसे चले वो भी हम लोग देखेंगे, और आने वाले वीक में जैसे कि फेड का पॉलिसी है, शायद 13 तारीख को फेड का पॉलिसी है, तो मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी जो मार्केट जहाँ लेवल पे है वही से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको कौन सा रेजिस्टेंस है, और मार्केट 11,000 को टच करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद करेगा, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जैसे कि बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। और जैसे आपने जो कमेंट दिए हैं, जो स्टॉक के बारे में आपको पूछना है या आपके कुछ क्वेरीज है, वो भी मैं वीडियो में कवर करूंगा। वैसे तो हमारा ये वीकली व्यू है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ है, जैसे कि मैं एनालिसिस करता हूँ तो उसको भी आपको उसमें भी आपको सीखने को मिलता है। यहाँ पे जो हमारे नए मेम्बर्स हैं उन्होंने अपना ये चैनल है अभी तक जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ आते रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, और सभी वीडियो जो है बहुत एजुकेशनल है, उससे आप बहुत नॉलेज पा सकते हो। तो हम लोग आप आते हैं अपने वीकली व्यू पे, तो हम लोग अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो स्टॉक्स हैं उसमें आने वाले वीक में कौन से लेवल्स रहेंगे, कहाँ पर जा सकते हैं, वो अभी जाके हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर जाके देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग निफ्टी से चालू करते हैं अपना मार्केट वीकली व्यू। तो हम लोग पहले वीकली कैंडल देखते हैं। तो जो वीकली कैंडल है बहुत ही अनडिसाइसिव कैंडल बना है, लेकिन नीचे से बाइंग प्रेशर है और एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। तो ये जो पहला एक नेगेटिव वीक था, ए वाला, ये जो आपको बड़ा नेगेटिव वीक दिख रहा है, अभी इसका जो बॉडी है उसके बाहर तक अभी मार्केट निकला नहीं है। अभी आप डेली में देखते हो तो देखिए कि उसी के अंदर लास्ट वीक में वो घूम रहा है। अभी तक तो ये जो ए हाई था अभी तक तो उसने ब्रेक नहीं किया, तो ये उसका एक रेजिस्टेंस 10,816। और अगर हम लोग इसको कुछ ये लगाते थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के, ये जो लो है और ये हाई था, तो वो 50% से क्या हुआ था, कवर हुआ था। और उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंशन लगाता हूँ फिबोनाची की, हम लोग लेवल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो एक्सटेंशन का जो 61.80 जो आता है उसके नीचे ये क्लोज हुआ है। तो उसके पहले वाला जो रेजिस्टेंस है 10,770 एक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर क्लोज देता है 10,768 के ऊपर अगर एक क्लोज देता है तो निफ्टी कवर हो सकता है। और जो ऊपर वाला टारगेट जो है, ये जो टारगेट है ये आ सकता है, ऑलमोस्ट 11,100 का टारगेट आ सकता है। उसके लिए निफ्टी को क्लोज होना पड़ेगा 10,770 या 68 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, तो निफ्टी का टारगेट आ सकता है। वैसे तो निफ्टी का जो अभी स्ट्रक्चर बना है बहुत अच्छा है, हायर लो बना रहा है, और निफ्टी के जो नज़दीक के सपोर्ट जो है, तो जैसे कि जो है 10,697 यानी कि 10,700 ऑलमोस्ट आ जाता है, उसके बाद जो है कि 10,600 है यानी कि 100 के पॉइंट से नीचे आ जाता है, और ये जो है कि 10,595 और उसके बाद जो है 10,552। तो ये जो एक लो बनाया था लास्ट टाइम इधर से निफ्टी कवर हुआ था 10,550, हम लोग बोल सकते हैं राउंड फिगर में 10,550, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। लेकिन ऑलरेडी 10,700 का भी सपोर्ट निफ्टी ले सकता है जब इमीडिएट अगर निफ्टी नीचे आता है तो, और ऊपर अगर ये जो ब्रेक करता है 10,770 तो मार्केट को उसके ऊपर क्लोज होके ऊपर ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए, तो निफ्टी बहुत अच्छा जा सकता है।
और ओवरऑल जो निफ्टी का ये पॉजिटिविटी दिख रहा है नेक्स्ट वीक में ये कंटिन्यू रहेगा तो बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट वीक में जैसे मैंने बताया था आपको कि फेड का पॉलिसी भी आ रहा है तो उसके ऊपर भी आप नज़र रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक का भी कैंडल जो है वो देखिए बहुत ही फ्लैट कैंडल आ रहा है। और जैसे मैं लास्ट वीक में जो लेवल बनाया था वही लेवल मीन सपोर्ट ऑलमोस्ट ले रहा है 26,321, और ये जो रेसिस्टेंस है 26,577 वो अभी उसका रेसिस्टेंस है, और जो भी लेवल्स है वैसे ही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा अभी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 26,577 के ऊपर ये लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो ये जो हाई है हाई के करीब 27,000 के आसपास भी जा सकता है। ये जो लेवल है ऑलमोस्ट ए लेवल के आसपास आ सकता है अगर वो 26,577 ब्रेक करता है तो। और इसके बाद मैं देखूंगा कि जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है स्टॉक के बारे में, जो क्वेश्चन है रितेश गनेरी कर करके उन्होंने मुझे जल डायल के बारे में पूछा है, तो जल डायल देखिए एक उसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी किया था अच्छा, उसके बाद ऊपर जाके जो रेसिस्टेंस था 6,647 का उसके आसपास जाके वापस उसने सेल ऑफ किया और नीचे आया है। अभी नया फ्रेश बाइंग करना है, अभी इन बिटवीन है, नया फ्रेश बाइंग करना है तो 494 यही लेवल जो है 494 के इधर आता है तो आप बाई कर सकते हो 482 का टॉप लॉस लगा के। अवधूत जोशी करके उन्होंने मुझे सन फार्मा के बारे में पूछा है, तो देखिए सन फार्मा ने एक ये सपोर्ट था 444 वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी गए और उसने अच्छा रिकवरी भी दिया है, लेकिन एक नज़दीक उसका रेजिस्टेंस है अभी ये जगह पे पहुंच गया है तो अभी यहाँ बाई करने में थोड़ा सा रिस्की है। तो इसको ब्रेकआउट होता है 539 के ऊपर क्लोज होता है तो बाई कर सकते हैं, वो 577 तक जाएगा तो वेट करना पड़ेगा ऊपर का लेवल ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पे जो अभी खड़ा है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो शायद मंडे को उसके ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर और भी आपको नेक्स्ट टारगेट मिल जाएंगे। वीक करके मिस्टर वीक करके उन्होंने पूछा है सेल के बारे में, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो है सेल है उसने तो अभी देखो ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे एक लेवल पे ऊपर, इसको बाय कर सकते हैं अभी टॉप लॉस ऑफ 79 टारगेट उसके आ सकते हैं एक 89 या 90 के ऊपर टारगेट आ सकता है उसका, अगर 79 का टॉप लॉस लग गया अब उसको बाय करते हैं, ब्रेकआउट भी दिया है उसने। देन मुझे वीडे उदय करना विकर करके उन्होंने पूछा है एनी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे स्टॉक ले सकते हो कि जो अभी बॉटम आउट हो गए, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म लेना है आपको जल्दी सेल नहीं करना है, तो जैसे कि अभी सन फार्मा वगैरह मैंने आपको दिखा है, तो ऐसे जो निफ्टी के स्टॉक है जो ओवरसोल्ड के ऊपर गए और जो भी मैं दिखाता हूँ इसमें वो स्टॉक भी आप देख सकते हो, तो वो स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। बहुत सारे स्टॉक मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किए थे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री भी किया था वो भी ऊपर गया है लास्ट टू लास्ट टाइम, और ए बी डीमार्ट वगैरह वो भी किया था, तो अच्छे अच्छे स्टॉक में आप लेके रखो लॉन्ग टर्म के रहना है तो ओके। तो अभी जैसे कि दूसरा जो है मुझे पूछा है सिद्धांत शर्मा करके वेदांता के बारे में, तो वेदांता जो है उन्होंने 246 चला है वो अभी लास्ट जो था 246, तो अभी तक उसमें कुछ बाइंग वगैरह नहीं आई और उसका सपोर्ट 229 नीचे है अभी तक, और वो इन बिटवीन है और रेसिस्टेंस है 278, अगर वो 278 जाता है तो ही 300 जाएगा क्योंकि उन्होंने शायद तो 300 में बाय किया है। बाद में अतुल विस्पुते करके उन्होंने मुझे टाटा DVR के बारे में पूछा है, तो टाटा DVR ले सकते हैं कि नहीं उन्होंने पूछा है मुझे ओके। तो टाटा DVR का सपोर्ट देखते अभी एक रिसेंटली टाटा मोटर जो मैंने आपको बताया था तो 280 के आसपास सपोर्ट से निकला है, और ये टाटा DVR भी अभी एक सपोर्ट से ऊपर आ गया है, उसका रेसिस्टेंस है 196, तो इसमें बाय तो कर सकते हैं या उसको फिर टॉप लॉस 167 का आ जाएगा,
तो थोड़ा रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स वैसे ही जो कि वो अपने सपोर्ट के आसपास से 280 के आसपास से वो ऊपर आ गया था, जो मैंने एक लेवल बताया था, तो टाटा मोटर DVR भी है तो वो भी यहाँ से रिकवर हो सकता है। ओके देन मुझे पूछा है दत्तात्रेय सातल कर करके, उन्होंने मुझे पूछा है इंट्राडे के लिए कोई 60 और 100 के रुपीज़ में बीच में मुझे कोई स्टॉक बताओ, उनका कैपिटल 7000 है। देखिए 7000 के ऊपर आप इंट्राडे तो कर नहीं सकते, लेकिन इंट्राडे सीख सकते हो, क्योंकि 7000 के ऊपर आपको इंट्राडे में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आप इंट्राडे में क्या करो कि वो 7000 में छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करके देखो और इंट्राडे सीखो, उसके बाद आप बड़ा अमाउंट डाल के जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बड़ा अमाउंट में आप कुछ कमा सकते हो। 7000 के ऊपर आप सिर्फ सीख सकते हो, उसके ऊपर पैसा नहीं कमा सकते। अनिल शर्मा है, उन्होंने मुझे JNFC के बारे में, अनिल शर्मा है उन्होंने मुझे JNFC के बारे में पूछा है। तो JNFC जो है अभी देखिए कि मिडल ऑफ द ट्रेंड के में, उसमें अभी ट्रेडिंग नहीं बनता है, उसका रेजिस्टेंस है 496 और सपोर्ट है 414, तो 414 आएगा तो आप बाई कर सकते हो, अभी उसमें कुछ नहीं बनता है। सिद्ध हाईटेक, उन्होंने गोदरेज एग्रो के बारे में पूछा है। गोदरेज एग्रो जो है यहाँ पे अभी रेसिस्टेंस पे खड़ा है, उसने डोजी भी दिया है तो उसको ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, 5658 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा तभी आप बाय कर सकते हो। अभी जस्ट रेसिस्टेंस पे खड़ा है, 658 के ऊपर क्लोज होता है तो आप बाय कर सकते हो 655 का टॉप लॉस लगा के। उसके बाद मुझे पूछा है कि कुणाल सरकार करके, उन्होंने पूछा है NBCC जो है ये पूरा के पूरा डाउन ट्रेंड है, लेकिन देखते हैं कोई सपोर्ट उसको दिख रहा है क्या। सपोर्ट तो है, थोड़ा नीचे है, ये अच्छा सपोर्ट है, 82 के इधर आता है तो बाय कर सकते हो, 80 का टॉप लॉस लगा के टारगेट आ सकता है उसका, जो कि डाउन ट्रेंड का जो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप यानी कि 95 का टारगेट आ सकता है, लेकिन अभी नहीं बाय कर सकते, 82 को टच करेगा तो बाय कीजिए, ये थोड़ा ऊपर है नीचे भी आ सकता है। उसके बाद है तानसेन बसारकर, उन्होंने DHFL लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है मुझे। DHFL जो है देखिए कि DHFL ये जो है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अभी तो कंसोलिडेशन में चल रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको देख रहे हो तो अच्छा स्टॉक है, आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म में ले रहे हो तो कुछ लेवल्स वगैरह देख के उसको ले सकते हो, जैसे कि अभी रिसेंटली यहाँ पे 588 को उसने सपोर्ट दिया था, तो ये लेवल पे अगर आप शॉर्ट टर्म रहो तो 588 का टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो तो ले सकते हो। वैसा ये स्टॉक का जो मैं ग्राफ देखता हूँ तो ग्राफ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है, फिलहाल वो शॉर्ट टर्म में साइडवेज चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो, कुछ ऐसा इशू नहीं लग रहा है। तो दोस्तों मुझे जितना टाइम मिला उतना मैं स्टॉक कवर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लेट हुआ वीडियो बनाने में और टाइम का भी शॉर्टेज था, तो मैं सब क्वेश्चन शायद नहीं लिया होऊंगा, लेकिन अब मुझे और भी कमेंट्स करते रहो, मैं नेक्स्ट आने वाला वीडियो में वो कवर करूँगा, जिनके मैंने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए उनको मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे और एक बार रिमाइंड कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर आपके कमेंट्स है उनके बारे में मैं बात करूँगा। और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए, वो कमेंट्स मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। और आपको ऐसे ही मेरे साथ आके हमारे INI ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में मुंबई में आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो मेरे साथ सीख सकते हैं, हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करके, उसके डिटेल्स और फीस और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मैं सब स्क्रीन पे ऊपर शेयर करता हूँ, प्लीज़ उसको नोट डाउन करना। अगर आपको ये कोर्स जो है हमारा अच्छा लगता है, इसके कंटेंट्स और उसकी फीस, तो ज़रूर आके हमारे साथ आप सीखेंगे। और अब जो वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।